The Last of Us, Episode 9, The Season Finale. एना नामी एक प्रेग्नेंट लेडी जंगल से भागते हुए इस फार्म हाउस में आकर छुप गई। फार्म हाउस के बाहर बना यह सिंबल देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि यह फायरफ्लाइज का सेफ हाउस है। इन्फेक्टेड से बचने एना ने ऊपर जाकर खुद को इस रूम के अंदर बंद कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर आते आते एना का वाटर ब्रेक हो गया, यानी वो बस कुछ ही देर में बेबी डिलीवर करने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली इस सेफ हाउस में फायरफ्लाइज का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद ही एक इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर चली आई। एना ने किसी तरह अपने स्विच ब्लेड की मदद से उस इन्फेक्टेड को मार दिया। इसी हाथापाई के दौरान एना ने बेबी भी डिलीवर कर दिया। एना को गुड और बैड न्यूज दोनों एक साथ मिली। मरने से पहले उस इन्फेक्टेड ने एना के पैर पर काट लिया था। अपनी बच्ची को इन्फेक्शन से बचाने एना ने फटाफट उसका अम्बालिकल कॉर्ड काट दिया और उसे अपने गोद में लेकर फायरफ्लाइज के आने का इंतजार करने लगी। यस, ये बच्ची ही एली है। एना का कैरेक्टर प्ले करने वाली ये एक्ट्रेस ने गेम में एली का रोल प्ले किया था, यानी वॉइस एक्टिंग और मोशन कैप्चर वगैरह। रात होते ही मर्लिन अपने साथियों के साथ इस फार्म हाउस में चली आई। रूम के अंदर एना एली के साथ बैठी हुई थी। अगर मर्लिन को आने थोड़ी और देर हो जाती तो एना टर्न होने से पहले खुद को मारने वाली थी। मर्लिन एना के पैर पर बना बाइट मार्क देखकर काफी इमोशनल हो गई। ये दोनों एक दूसरे के बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। यहाँ एना ने मर्लिन से झूठ कहा कि इन्फेक्टेड होने से पहले इसने एली का अम्बेलिकल कॉर्ड काटा था। एना चाहती है कि मर्लिन उसे मार दे और एली को अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी जिंदगी दे। एना ने याद के तौर पर एली के पास अपना आइकॉनिक स्विच ब्लेड नाइफ छोड़ दिया। फिर दोस्ती के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके एना ने किसी तरह मर्लिन को पटा लिया। नन ने एली को एक फायरफ्लाई के हवाले करके मर्लिन ने एना को मार दिया। ये सीन गेम में नहीं था, गेम में बस एना का जिक्र ही हुआ है। हाँ, द लास्ट ऑफ अस की एक कॉमिक बुक में एना की थोड़ी बैक स्टोरी है, बट गेम में एना का बस जिक्र ही था। इस ओपनिंग सीन ने सीरीज में एली के इम्यूनिटी का भी लॉजिक चेंज कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। डेविड वाले इंसिडेंट के बाद से ही एली अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जोल ने उसका दिल बहलाने की काफी कोशिश की, लेकिन एली अब तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। जोल ने एली से वादा किया कि ये सब खत्म होते ही वो उसे गिटार बजाना सिखाएगा। जोल को पूरा यकीन था कि एली को वो हॉबी काफी पसंद आएगी। हॉस्पिटल पहुंचने इन दोनों को एक बिल्डिंग के अंदर से गुजरना होगा। एज यूजुअली मलबे की वजह से सीधा आसान रास्ता ब्लॉक हो गया था। जोल ने एली को सीढ़ी ढूंढने ऊपर भेज दिया। एली को सीढ़ी तो मिल गई, बट बाहर किसी दूसरे चीज से डिस्ट्रैक्ट होकर एली सीढ़ी वहीं फेंक कर उसे देखने चली गई। जोल भी किसी तरह सीढ़ी लगाकर एली के पीछे चला गया। एली खिड़की में खड़ी एक जिराफ को पत्ते खाता देख रही थी। द लास्ट ऑफ अस की दुनिया में इंसानों की तो बैंड बज गई, बट बाकी नेचुरल चीजें एकदम सही से चल रही थी। कह सकते हो कि पहले से कहीं ज्यादा बेटर। फिर जोल और एली साथ मिलकर उस जिराफ को पत्ते खिलाने लगे। एली को इतने अच्छे मूड में देखकर जोल काफी खुश था। कुछ देर बाद ही वो जिराफ अपने ग्रुप के पास चला गया। एली और जोल छत पर खड़े जिराफ की उन हैप्पी फैमिली को दूर जाता देख रहे थे। तभी जोल ने एली को बताया कि अगर वो चाहे तो अभी का अभी सब कुछ छोड़कर टॉमी के पास जा सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जोल का फायरफ्लाइज और हॉस्पिटल पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन एली फाइनल स्टेज में आकर अपने मिशन को नहीं छोड़ने वाली। यहाँ आने के लिए एली जिन मुसीबतों से गुजरी है, जितने लोगों की जाने गई है, एली उसे वेस्ट जाने नहीं देगी। एक बार सॉल्ट लेक सिटी के डॉक्टर से मिलने, उसके बाद जोल जहां चाहे एली को ले जा सकता है। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में एक आर्मी का इमरजेंसी मेडिकल कैंप मिला। आउटब्रेक के बाद आर्मी ने इस तरह के फास्ट रिस्पॉन्स मेडिकल कैंप्स बनाए थे। एज एक्सपेक्टेड इनका कोई फायदा नहीं हुआ। यहीं पर जोल ने फाइनली एली को अपने पास्ट के बारे में बताया कि आउटब्रेक के इनिशियल स्टेज में ही जोल ने सारा को खो दिया था। सारा को खोने के बाद मानो जोल की जिंदगी का मतलब ही खत्म हो गया। कुछ दिनों तक ग्रीफ में रहने के बाद जोल ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ट्रिगर दबाते वक्त हिचकिचाने की वजह से जोल का निशाना चूक गया। जोल के सर पर बना यह जख्म उसी डार्क मोमेंट की निशानी है। एली ये सब सुनकर काफी शॉक थी। जोल की कंडीशन देखकर एली को भी लगा कि शायद टाइम वाकई में सारे घाव भर देता है, लेकिन जोल ने एली को देखते हुए इनडायरेक्टली बताया कि टाइम कोई घाव नहीं भरता, हम बस समय के साथ अपने गम भूलने लगते हैं। जोल को तो एली ने ठीक किया है। एली की जिंदगी में आते ही जोल को फिर से जीने का मकसद मिल गया। इस छोटे से इमोशनल सीन में दोनों ने क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई। फिर एक दूसरे का मूड फ्रेश करने जोल के कहने पर एली पीजेस की बुक से जोक्स पढ़ने लगी।
पहले तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक चला था कि तभी अचानक से कुछ फायरफ्लाइज ने इन पर फ्लैश ग्रेनेड से हमला कर दिया। फायरफ्लाइज जोल को बेहोश करके दोनों को उठाकर अपने साथ ले गए। काश इधर भी गेम्स की तरह ही इन्फेक्टेड वाला फाइनल शोडाउन सीन होता, लेकिन वो गेम था और ये टीवी शो है। गेम के सक्सेस के लिए फाइनल हाई स्टेक्स मिशन देना सेंस बनता है। शोरनर्स ने कैरेक्टर के बीच का वो कनेक्शन इमोशनली हैवी डायलॉग्स की मदद से दिखाया, सो ऑल गुड। होश आते ही जोल ने देखा कि मालियन की गैंग उन्हें पकड़कर हॉस्पिटल ले आई थी। फायरफ्लाइज ने जोल को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर दिया था। मालियन ये देखकर इंप्रेस थी कि जोल ने अकेले वो काम करके दिखाया जो उसकी पूरी गैंग न कर पाती, यानी एली को सुरक्षित हॉस्पिटल ले आना। वो सब बाद में, जोल को फिलहाल एली से मिलना था। मालिन ने जोल को बताया कि वो अब एली से कभी नहीं मिल सकता। डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में एली को सर्जरी के लिए तैयार कर रहे थे और यहीं पर हमें गेम और शो के बीच में एक और बड़ा चेंज देखने मिला। गेम में फंगल इन्फेक्शन एली के बॉडी में जाते ही किसी वजह से म्यूटेट हो गया था और उसी म्यूटेशन के कारण एली इम्यून बन गई। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा रश्ड था। शो ने इस चीज को काफी लॉजिकल बना दिया। वो एना के फ्लैशबैक वाला सीन याद है ना? वेल, डॉक्टर्स का मानना है कि पैदाइश के वक्त कॉर्डिसेप्स का कुछ पार्ट एली के बॉडी में चला गया था। बचपन से वो कॉर्डिसेप्स एली के दिमाग में पल रहा है, लेकिन वो कभी पूरी तरह से एली को इन्फेक्ट नहीं कर पाया। कह सकते हो कि ये भी एक टाइप का म्यूटेशन ही है, लेकिन इस म्यूटेशन का कंसेप्ट ज्यादा बिलीवेबल है। एली के दिमाग में पल रहा कॉर्डिसेप्स ऐसा केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है जो नॉर्मल कॉर्डिसेप्स को बताएगा कि ये होस्ट तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। इधर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, और इसीलिए वो फंगल इन्फेक्शन एली के बॉडी में पूरी तरह से नहीं फैलता। फायरफ्लाइज के डॉक्टर्स सर्जरी की मदद से उस म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स को एली के दिमाग से निकालकर वैक्सीन बना सकते हैं, यानी ब्रेन सर्जरी। वो कॉर्डिसेप्स जो बचपन से एली के दिमाग से कनेक्टेड था, जोल समझ गया कि कॉर्डिसेप्स कोई कड़ी पत्ता नहीं है कि खोपड़ी खोलो और ऊपर से निकाल लो। ब्रेन सर्जरी यानी यह हॉस्पिटल की ट्रिप एली के लिए वन वे ट्रिप थी। एली उस सर्जरी से नहीं बचने वाली। ऑब्वियसली जोल फायरफ्लाइज को ऐसा करने नहीं देगा, लेकिन मार्लिन जोल के गुस्से को समझ सकती है। आखिर वो भी तो एली की कुर्बानी देकर अपने बेस्ट फ्रेंड को दिया वादा तोड़ रही थी, लेकिन क्या करें, इंसानियत को बचाने की खातिर इन्हें एक जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना बोलकर मार्लिन ने जोल को कुछ फायरफ्लाइज के साथ बाहर भेज दिया। अगर जोल ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फायरफ्लाइज उसे सीधा शूट कर देंगे। हॉस्पिटल से बाहर जाते वक्त जोल ने सर्जरी रूम की लोकेशन देख ली और सीढ़ियों पर पहुंचते ही फायरफ्लाइज पर हमला कर दिया। दुनिया और इंसानियत गई भाड़ में। सहरा के बाद जोल अब एक और बेटी नहीं खोने वाला। फिर बैडएस जोल ने एक एक करके सारे फायरफ्लाइज गार्ड्स को मार दिया और एली को लेने सर्जरी रूम की ओर चला गया। बस कुछ ही देर में ये लोग एली की सर्जरी करके दुनिया को बचाने वाले थे, लेकिन तभी वहां जोल आ गया। डॉक्टर साहब एकदम लास्ट मोमेंट पर इसे एली को ले जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही जोल ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा डॉक्टर को शूट कर दिया। ये चीज जोल को अगले सीजन में काफी भारी पड़ने वाली है। एनीवेज, फिर जोल एली को उठाकर हॉस्पिटल के पार्किंग में ले गया। डोंट वरी, इसने नर्सेस को जिंदा छोड़ दिया था। जोल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चला है, उसने जो किया वो सही था या गलत। कहीं इसने सेल्फिश बनकर सारे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तो नहीं बर्बाद कर दिया। एली को जब ये पता चलेगा तब उसका रिएक्शन क्या होगा? तभी उसका सामना मार्लिन से हुआ। मार्लिन ने जोल को समझाने की बहुत कोशिश की कि इमोशंस की आड़ में वो जो कर रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। इवन एली भी नहीं चाहेगी कि जोल सारी दुनिया के आगे उस अकेली की जान चुने। अब भी देर नहीं हुई, ये दोनों साथ मिलकर नया सर्जन ढूंढ सकते हैं। मार्लिन के भाषणबाजी खत्म होने के बाद जोल ने उसे भी शूट कर दिया। अगर ये मार्लिन को जिंदा छोड़ता तो वो कभी एली का पीछा नहीं छोड़ती। फिर जोल एली को लेकर टॉमी के जैक्सन टाउन चला गया। गाड़ी में होश आते ही एली काफी कंफ्यूज थी। जोल ने इससे झूठ कहा कि एली की तरह ही दुनिया में बहुत सारे इम्यून इंसान हैं। काफी कोशिश करने के बावजूद भी फायरफ्लाइज के साइंटिस्ट कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। जब हॉस्पिटल में एली पर टेस्ट हो रहे थे तब कुछ रेडर्स ने इन पर हमला कर दिया। उसी हमले में मार्लिन समेत बहुत सारे फायरफ्लाइज मारे गए। जोल किसी तरह से एली को उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। इसीलिए कपड़ों की जगह एली ने यह हॉस्पिटल गाउन पहना था। ये सुनते ही एली पूरी तरह से टूट गई। उसे लगता था कि वो अकेली ऐसी स्पेशल इंसान थी जो सारी दुनिया को बचा लेगी। इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने क्या क्या नहीं किया वो सब अब कुछ मायने नहीं रखता। थोड़ा आगे चलते ही इनकी गाड़ी खराब हो गई, यानी आगे का सफर इन्हें हाइकिंग करते हुए पैदल ही तय करना होगा। जोल ने एली को बताया कि अगर आज सारा जिंदा होती तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बनते,
ये सुनते ही एली ने जोल को अपनी बेस्ट फ्रेंड राइली के बारे में बताया, वो शॉपिंग मॉल वाली कहानी। इन्फेक्टेड होते ही दोनों बैठकर टर्न होने का इंतजार कर रहे थे। राइली तो ज़ॉम्बी बन गई, लेकिन इम्यून होने की वजह से एली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर ना चाहते हुए भी एली ने इन्फेक्टेड राइली पर रहम खाकर उसे शूट कर दिया। यानी राइली ही एली का फर्स्ट मर्डर था। एली को लगा कि शायद वो अपनी इम्यूनिटी से दुनिया को बचाकर इस गिल्ड से निकल जाएगी, लेकिन ना। अब तो राइली, टेस, सैम और हेनरी सबकी जान फोकट में चली गई। जोल ने इसे समझाते हुए कहा कि एली खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार ना माने। पता नहीं क्यों, बट जोल की बातें सुनकर एली को थोड़ा डाउट आ रहा था। उसने जोल से कसम देकर साफ साफ पूछ लिया कि क्या उसकी हॉस्पिटल वाली स्टोरी सही में सच है, या फिर एली को बचाने की खातिर जोल ने ही कुछ कांड कर दिया। जोल ने कसम खाकर एली से वादा किया कि हाँ, वो सच बोल रहा है। जोल पर 100% भरोसा ना होने के बावजूद भी एली बस ओके बोलकर उसके साथ टॉमी से मिलने चली गई। और यहां होता है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 खत्म। फिनाले को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में था भाई, लेकिन थैंकफुली बाकी एपिसोड्स की तरह ही इन्होंने फिनाले भी एकदम गेम की तरह ही रखा। फुल 10/10 सीजन फिनाले। पहले 3 एपिसोड को देख के लग रहा था कि सारा शो ही 10/10 रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी गाड़ी लड़खड़ा गई थी। 9 में से 5 एपिसोड्स कमाल के थे, बट बाकी 4 में पेसिंग थोड़ी स्लो हो गई। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल रेटिंग होगी 8.5/10। अगर राइटर्स थोड़ा और दिमाग लगाकर स्टोरी में कुछ और इन्फेक्टेड वाले सीन डाल देते तो आराम से एटलीस्ट 9/10 तो बनता ही था। देखते हैं अब सीजन 2 के लिए और कितना वेट करना पड़ता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट 1।